डिजाइन डिस्ट्रिक्ट कॉन्डोमिनियम्स बाय एम्बलम डेवलपमेंट्स आर नाउ सेलिंग इन हैमिल्टन। आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844। इन्वेस्ट इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन कनाडा। दिस इज अ 3-टावर प्रोजेक्ट विद ओवर 19,000 स्क्वायर फीट ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एमेनिटीज। यूनिट स्टार्ट फ्रॉम द $500,000 रेंज। ऑक्यूपेंसी इज इन 2026। 647-864-8844 इज द नंबर टू कॉल। teamsabarwal.com इज अ वेबसाइट टू विजिट। जी हाँ, रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल और मिस्टर पी के सबरवाल लौट आए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए रेडियो वॉइस पर। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। जरूर कॉल कीजिएगा। लेकिन राइट नाउ स्वागत करते हैं सबरवाल साहब का। सबरवाल साहब, आपकी बहुत याद आई, पूरे जीटीए भर में सबने आपकी बहुत याद की। थैंक यू वेरी मच। सेम हेयर, मेरे को भी अपना महसूस होता है कि आई एम मिसिंग समथिंग। और मेरी वाइफ बल्कि मुझे ये कह रही थी कि तुम ना जाए मत करो बाहर, तुम जाते हो बाहर और याद आपको पीछे आती रहती है, स्पेशली वेडनेसडे को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि थर्सडे जाके ट्यूजडे को वापस आ जाएं। चलिए, दैट इज वंडरफुल, वेलकम बैक फॉर श्योर। तो सबरवाल साहब, चलिए आज आप बता दें रिपोर्ट क्या लेकर आए हैं आप रियल एस्टेट के हवाले से हमारे लिसनर्स के लिए। जी ये एक तो दो तीन बातें मैं बड़ी करना चाहता था कि एक जैसे इन्फ्लेशन जो काबू में नहीं आ रही, 1983 का जो इंक्रीज थी वो वहाँ उससे भी आगे क्रॉस कर गई, या सेम मान लीजिए 40 साल का रिकॉर्ड बन गया 8.1%। और जो इनका ये था इंटेंशन कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो इन्फ्लेशन को काबू कर लेंगे, अब ये खुद ही इनकी रिपोर्ट्स आ रही है कि इंटरेस्ट रेट इज नॉट द ओनली थिंग टू डू, उसके अलावा हमें और भी बहुत कुछ चीज़ों का जो है वो असर होता है इन्फ्लेशन के अंदर, जैसे सप्लाई चेन हो गया और डिमांड एंड सप्लाई हो गया, गैस के प्राइसेस कंट्रोल नहीं आ रहे, ओनली गैस जो है वो 54% बढ़ गई जबकि इन्फ्लेशन 8.1% है। यानी कि अगर गैस के प्राइसेस को बीच में निकाल दिया जाए तो इन्फ्लेशन 8.1% से कम होकर 6.5% रह जाती है। तो अब ये रियलाइज हो रहा है। ये चीज देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि जो सितंबर में भी इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना ही है, पर दैट मे बी द लास्ट जंप। हम कह रहे थे कि इसके बाद अक्टूबर दिसंबर में तो हम वैसे ही मना कर रहे थे, मुझे लगता है कि अक्टूबर के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की नौबत नहीं आएगी, सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद ये रुक के देखेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन काबू नहीं आ रहा, और ऊपर से मुझे लगता है यूक्रेन और रशिया का ये कुछ सेटलमेंट जरूर होगी अगले 2-3 महीने के अंदर। ये सेकंड फेज चल रहा है और थर्ड फेज होता है कंप्रोमाइज का, तो ये कंप्रोमाइज की तरफ जाएंगे दोनों अपनी अपनी तरफ से। पुतिन साहब भी कहेंगे जी मैंने जीत लिया, वहां पर वो भी कहेगा यूक्रेन में कि मैंने जीत लिया, दोनों अपने अपने बेस्ट पॉइंट कह के एक कसम से वार को खत्म सी होती नजर आ रही है। बाकी और रिपोर्ट्स बड़ी आई हैं, आरबीसी की रिपोर्ट है, बीमो की रिपोर्ट है, टीडी की रिपोर्ट है। टीडी तो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23 तक प्राइस फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, डिक्लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 19% जो पीक से अब जो प्राइस गिरे हैं एवरेज, वो बस बंद होते नजर आ रहे हैं, खत्म होते नजर आ रहे हैं। ये आपने गैस प्राइस की बात की तो हम हमारे लिस्टनर्स को ये भी बता देते हैं कि कल गैस की प्राइस 1 सेंट ऊपर जाने वाली है फॉर श्योर। लेकिन राइट नाउ हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ चुके हैं, हम चलते हैं हमारे पहले कॉलर की ओर और साथ ही साथ नंबर आपको अनाउंस कर देते हैं 416-593-0055। ये है स्टूडियो का नंबर, कॉल कीजिएगा जरूर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ, समीर साथ बात कर रहा हूँ, कैसी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, पीके साहब आपसे एक सवाल मेरा ये है, जैसे कि सुन रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जरा ठहराव आ जाएगा, आप ये बताएं कि इन्होंने तो जो स्ट्रेटजी बनाई थी, स्ट्रेटजी वो अपनाई है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है इन्होंने, ये तो नाकाम होने का पहले भी मुझे अंदाजा था काफी हद तक, क्योंकि आपकी जॉब क्रिएशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब 10 साल से नहीं है, और अभी फर्टिलाइजर की शॉर्टेज का भी सुन रहे हैं कि कनाडा में काफी शॉर्टफॉल होगा, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तो डेफिनेटली घर तो बाद में तो लेते हैं, पहले तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और जॉब क्रिएशन के बजाय काफी जॉब ले ऑफ हुई है, और अभी पेंडेमिक की वजह से काफी लोग घर से काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू जॉइन इन पर्सन, तो एम्प्लॉयर कह रहा है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा देना है, जैसे मैं कहता हूँ इन पर्सन जॉब करवाना चाह रहे हैं,
जिसमें से काफी लोग जॉब से क्विट किया है, काफी लोग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग पे जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक हद तक जो है ना वो प्राइस बड़े बढ़ती कम होती आ रही थी, अब बेखाते नहीं होगा क्योंकि आपके इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे? अगर वो रेंटल में भी जाते हैं तो बच्चे मौके पर आपके जो है कैंसिल कर गए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल शूट कर रही थी। इंटरेस्ट रेट जो है उसका असर जरूर पड़ा है सर, नहीं तो ये 9% और 9.7% 9.6% यूके में देख लीजिए, अब अमेरिका में देख लीजिए, हम उनसे बहुत नीचे हैं अभी भी इस इन्फ्लेशन के बावजूद। ये इंटरेस्ट रेट अगर को ना बढ़ाते तो सर बाइंग पावर हमारे लोगों की कम ना होती और हम फिर बाइंग की तरफ भागते रहते, तो ये इन्फ्लेशन 10 भी क्रॉस कर सकता था। इंटरेस्ट रेट ने जरूर इसके ऊपर असर किया पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे दायरे हैं जो कि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर असर डालते हैं। बाकी रही बात प्राइस बढ़ने की, यस ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इमिग्रेंट्स बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, डिमांड कम नहीं हो रही, 17% देख लीजिए आप रेंट बढ़ गया, 17% रेंट एक साल के अंदर बढ़ना कोई मजाक है, आज ही की रिपोर्ट है, आज सुबह की रिपोर्ट है। तो अब जैसे अब ये टीडी बैंक ने कहा है कि उनका एक एग्जैक्ट वर्ड है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में यू विल सी सम रिकवरी ऑफ द नेशनल हाउसिंग डिमांड, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, और ये हमने पिछले बार भी कहा था मेरे जाने से पहले कि आप देख लीजिएगा दिसंबर तक ये कूल डाउन जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा और ये इसके अंदर डिमांड आ जाएगी और कोई इसको रोक नहीं सकता। यहां पर मैं एक ये भी बात बताना चाहता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो लोग अभी ऑन द बॉर्डर खड़े हुए हैं वो लोग शुरू हो जाएं खरीदना, क्योंकि बहुत जल्दी यही लोग हमें 2-3 महीने में कहेंगे क्यों अब तो प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, अब हमें फिर ढूंढना पड़ रहा है, फिर हमारे मतलब का घर नहीं मिल रहा। दिस इज द राइट प्राइस, ज्यादा लालच मत करो, अब आप थोक बजा के अपनी मर्जी का घर ले लो और ये मार्केट 2-3% के एडजस्टमेंट के बाद रुक जाएगी, फिर आपको अपनी मर्जी का घर शायद फिर दोबारा ना मिले। जी तमरीन जी, चलिए आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। देखते हैं अगर और कुछ कोई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेडियो वॉइस, हेलो जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी गो अहेड। सुप्रवाल से सवाल है कि जो ये रेंट इंक्रीज की बात कर रहे हैं, ये पुराने टेनेंट पे भी वैलिड होगा या सिर्फ नए वाले? नहीं सर, पुराने टेनेंट के लिए भी आ गया ना सर, 2.5% का रूल आ गया ना अभी जुलाई से, अब जो जब आपके अभी जो रिन्यू हो रहे हैं उसमें आप 2.5% बढ़ा सकते हैं पुराने टेनेंट का। अच्छा, अब ये जो मैंने 17% कहा सर, वो रेंट बढ़ा है, बढ़ाया नहीं है, बढ़ा है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका घर खाली है मान लीजिए और आपने उसको रेंट में चढ़ाना है, तो जो पहले 2000 में चढ़ रहा था वो 2300 में चढ़ रहा है, आप अपना डिमांड मांग लीजिए, अगर कोई देता तो दे देगा, नहीं देगा तो आपको कम करना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो एग्जिस्टिंग टेनेंट है, और अगर वो टेनेंट नवंबर 2018 के बाद है तो एलटीबी का रूल लागू नहीं होता उसके ऊपर, फिर आप अपनी मर्जी से मार्केट के हिसाब से रेंट बढ़ा सकते हैं, अगर वो बढ़ा लेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के जाएगा। पर ये उन घरों की बात कर रहा हूं सर नवंबर 2018 के बाद की, जो 2018 के बाद जो रजिस्टर हुए ब्रांड न्यू, पुराने घर नहीं। ठीक है सर, चलिए आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हमारे स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। अब अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सबरवाल साहब से तो जरूर कॉल कीजिएगा 416-593-0055। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर, रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो सबरवाल साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर माय क्वेश्चन इज सिंपल, लाइक दिस इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछना है। Like they keep increasing the interest rate so rapidly, aggressively. Yes. So backfire कभी हो जाएगा क्या? क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिएगा, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा रहे हैं रैपिडली उसके बाद क्या बोला आपने? No, each time when they rise, they say it takes 6 to 9 months for the reflection on the economy, the interest yes. rate increase. But they're doing yes. so rapidly, is it going to backfire the economy and drag things in a wrong direction? Yeah, very good. बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर सर। ये मकलन साहब ने खुद ही बात की है जो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो रिसेशन की तरफ भी जा सकता है। वेरी राइट सर, वेरी राइटली सेड कि इसका असर जो अगले 6-7 महीने में होता नजर आ रहा है उसका रिसेशन की तरफ भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद जब आप ज्यादा स्ट्रिक्टनेस वगैरह करते हैं तो वो रिसेशन की तरफ
सेटअप उसका रिसेशन बैकफायर करता है, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसी बात के डर के ऊपर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपनिंग रिमार्क्स दिए, मैंने ये कहा कि मुझे लगता है कि सितंबर के बाद जो उन्होंने अभी और इंटरेस्ट रेट 3-4 बार बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाएंगे। वो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रुकेगा, 50 बेसिस पॉइंट या मैक्सिमम 75 बेसिस पॉइंट रुक जाएगा। एक इसके अंदर प्रॉब्लम और भी आ रही है, जो कि मुझे लगता है बैंक ऑफ कनाडा स्टेप लेगा, कि बैंक इसका बेनिफिट ज्यादा उठा रहे हैं। देखिए, जब आपका प्राइम 2.45 था तो बैंक आपको 1.2% माइनस करके 1.25 के ऊपर आपको मॉर्गेज दे रहा था। आज प्राइम 4.7 हो गया और बैंक अभी इसके ऊपर 1.2 माइनस करने की बजाय 0.5 माइनस कर रहा है। 7.7 का बेनिफिट बैंक उठा रहा है, जबकि आपने रिपोर्ट देखी थी एक महीना पहले 4-4 बिलियन का उनको क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है। इसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल आना चाहिए, जो बैंक ऑफ कनाडा मुझे लगता है कि सितंबर के बाद अगर नहीं हुआ तो काबू इसको करेगा। फॉर एग्जाम्पल तमरिंद जी, जिस वक्त इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था और जब 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तो हम कह रहे थे कि प्राइम भी 25 बेसिस पॉइंट कम होगा। उस वक्त बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट कम किया था। क्यों किया था? जब इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ तो प्राइम भी 25 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए था, नहीं किया। इसी प्रकार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, 1% बढ़ गया, तो इन्होंने प्राइम 1% क्यों बढ़ा दिया? ये भी तो कम बढ़ा सकते थे जी। तो इसके ऊपर कोई ना कोई रूल आना चाहिए या कोई ना कोई डायरेक्शन इनके पास बैंक ऑफ कनाडा की जरूर आएगी, क्योंकि वेरिएंस इन्होंने कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया। ये भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इसका असर 5-6 महीने में होगा, जिससे पहले कि आई थिंक बैंक ऑफ कनाडा विल टेक सम एक्शंस जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो। हाँ जी, गो अहेड जी। पीके साहब जी। सर जी, मुझे आपने ये पूछा था कि मेरी मॉर्गेज है स्कॉशिया बैंक से, तो वो और वो भी वो है जो बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पेमेंट बढ़ जाती है। हाँ, वेरिएबल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसे मौके पे चेंज करना चाहिए बैंक अभी, या मैं वेट करूँ, ये बाद में कुछ इम्कान है 1-1.5 साल में? मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ ना सर, आप मुझे बता दीजिए आपका वेरिएबल, आपका प्राइम माइनस क्या, कितना क्या इंटरेस्ट रेट आपका इस वक्त? मेरा प्राइम अभी तो हो गया, पहले तो 1.5 से स्टार्ट हुआ था और अभी तो 3.2 पे चला गया। नहीं, 3.2 चला गया, ये 1% बढ़ने के बाद? नहीं, 1% बढ़ने के बाद अभी मेरी पेमेंट हुई है 36.50। नहीं सर, मुझे सिंपल एक क्वेश्चन दीजिए, प्राइम माइनस कितना आपका तय है बैंक के साथ? बस वो सर अभी मुझे नहीं, वो मुझे बाद में बताइएगा, फिर टेक्स्ट मैसेज में तो मैं आपको जवाब दूंगा आपको। जैसे प्राइम अब हो गया आपका 4.7, अगर आपका 1% माइनस था प्राइम के साथ तो हो गया 3.7। मान लीजिए एक बार इंटरेस्ट और बढ़ जाता है तो आपका हो जाता है 4.2। लेकिन अगर आप फिक्स कर लेते हैं इसको, अगर आपका गैप फिक्स का कितना है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को कि आपका ऑलरेडी कितना है। मान लीजिए आपका गैप आज आपको, आज अगर फिक्स में आपको बैंक बोला जी मैं तो 4.7 पे दूंगा, तो आई वुड से स्टिक, आप वेरिएबल पे स्टिक रह जाइए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ने कम आना है, बढ़ने वाली बात खत्म हो चुकी है बहुत जल्दी, उसके बाद नीचे ही आना है, तो रुक जाइए। लेकिन अगर आपको फिक्स और प्राइम में फर्क नजर नहीं आ रहा, वेरिएबल में फर्क नजर नहीं आ रहा, देन वी मे थिंक टू गो टू द फिक्स्ड। पर यह भी डिपेंड करता है कि घर आपने कब बेचना है, कब रखना है। अगर आपने घर 1-2 साल में बेचना है तो फिक्स्ड में नहीं जाना। तो ये सिचुएशन डिपेंड करेगी आपको आज कितना मिल रहा है, प्राइम माइनस कितना है, वो मुझे बाद में अपने नाम के साथ टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको अपनी जो मेरा पॉइंट है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर? चलिए, मेरा नंबर है 6472994757 जी, 6472994757 ये है सबरवाल साहब का नंबर, जरूर उन्हें टेक्स्ट कीजिएगा। बट राइट नाउ हम चलते हैं हमारे कॉलर्स की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, गो अहेड। या हाय, दिस क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर पीके। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू सर। ओके सर, आई जस्ट लाइक टू नो, अगर किसको 5 लाख रोकना हो और रेंटल इन्वेस्ट करना हो तो कौन सी एरिया में जावे तो उसका रेंटल और अप्रिशिएशन थोड़ा हो सकेगा? अच्छा, 5 लाख डॉलर आप अपने पॉकेट से कह रहे हैं या टोटल इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं बैंक लोन समेत? प्रॉपर्टी 5 लाख की, जैसे कि थिएटर में गया, विंडसर गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 5 लाख की प्रॉपर्टी के अंदर आज सबसे ज्यादा जो प्राइस गिरा हुआ है वो ब्रैंटफोर्ड में गिरा हुआ है, लंदन में गिरा हुआ है,
उधर चैथम के उस वो पूरी बेल्ट के ऊपर प्राइस गिरा हुआ, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ गया था, इसलिए वहां पर कम आ गया। वहां पर बेनिफिट आपको ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो लिंडसी, बैनक्रॉफ्ट, आपका मस्कोका, यहाँ पर प्राइस बहुत गिरे थे, बहुत बड़े थे और बहुत ज्यादा गिरे हैं, क्योंकि 5 लाख की रेंज में आपको इसके अलावा और कहीं घर ज्यादा मिलेंगे भी नहीं। तो दीज आर द एरियाज आई वुड सजेस्ट। अगर आप हमें कंटेक्ट कर लेंगे तो मेरे जो एजेंट्स काम करते हैं जिस एरिया में, वो आपसे मिलके आपको पूरी प्रॉपर सलाह दे देंगे, और उसके ऊपर कुछ ऑप्शंस भी हैं हमारे, कुछ हमारे ऑफर्स भी हैं जो कि हम आपको ऑन एयर नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे। यू विल बी सरप्राइज कि ऐसी भी ऑफर किसी की हो सकती है। 6472994757 ये आप टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिख दीजिएगा, हम आपको 24 घंटे में कंटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर आपको हमारी जरूरत है। नहीं तो अगर आपके पास अपना कोई एजेंट है, वी विश यू गुड लक। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 6472994757 है नंबर। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गो अहेड प्लीज, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हेलो, ये सर मार्केट क्रैश और कूलिंग ऑफ में मतलब तो कैसे बताएंगे अभी? हरविन मार्केट क्रैश और मार्केट इज कूलिंग। अच्छा, मार्केट तो कूलिंग है ही है, लेकिन ये अभी इसका बैलेंस मार्केट है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स बायर्स मार्केट। तो ये अभी भी लोग जो कहते हैं कि ये बायर मार्केट हो चुकी है, नहीं, अभी भी बायर मार्केट नहीं हुई, अभी भी मैं इसको बैलेंस मार्केट कहूंगा। और इसका सीधा सीधा जागता प्रूफ है कि सेम बात रॉबर्ट होक साहब जो है इकोनॉमिस्ट आरबीसी के, वो भी यही बात को कह रहे हैं, और बीमो भी यही इस बात को कह रहा है। मैं तो इस बात को पिछली लास्ट टाइम मैंने कहा था, इट इज ए बैलेंस मार्केट, क्योंकि अभी भी इसका प्राइस जो है वो 2020 की जो पेंडेमिक से पहले से ज्यादा है, बल्कि 2019 से भी ज्यादा इसका प्राइस चल रहा है। तो अभी भी ये बैलेंस मार्केट है। जो पहले वाले भाई साहब ने कहा था, जो मार्केट सबसे ज्यादा ड्रॉप हुई है, वो ड्रॉप उन्हीं एरिया में हुई है जिस एरिया में मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ये भी आरबीसी की रिपोर्ट आई थी। और इसके अंदर वुडस्टॉक, किचनर, वाटरलू, लंदन, चैथम, वो जो मैंने डिस्कस किया, एंसेलिंसी, वो बेल्ट वो थी। आप जो कूलिंग की बात कर रहे हैं, यस, ये मुझे अभी उम्मीद अभी भी है एक दो महीने और कूल होने की, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करूंगा, क्योंकि अचानक हाथ से निकलता नजर आएगा। आज बायर के पास चॉइस है खरीदने के लिए, ये ना हो जैसे कूलिंग इसका कम हो तो आपकी चॉइस हाथ से निकल जाए। ठीक है सर, चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो, हेलो, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं जी, मैं ऑफ सुनना चाहूंगा। और राइट, चलिए हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो, हेलो जी, गो अहेड जी, मैं ऑनर हूँ जी, बोलिए। अच्छा जी, मुझे है ना सबरवाल साहब से एक सवाल ये करना था कि जिस तरीके से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये मार्केट तो करेक्शन की तरफ चली गई है, तो ये जिन लोगों ने घर लिए हुए हैं, अब वो रेट इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो क्या ये बैंक्स के ऊपर फॉल नहीं आएगा? अगर लोग बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट भी इतनी नाइफ तो नहीं है कि मार्केट को इतना तेजी से गिरने देगी, वो उनको बैलेंस करना है। आई थिंक 2-3 महीने में जाके मार्केट बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल, ये मैंने अभी कहा 2 मिनट पहले, मैंने ये वाली बात की है कि मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने की कहानी रह गई है। बात वो रही कि जिन लोगों ने लिया था उनको महंगा पड़ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। जिन लोगों ने अगर जेन्युइन लिया था वो उनको तो अप्रूवल ही 5.25% में हुई थी। अगर उनकी अप्रूवल 5.25% में हुई थी तो वहीं पर आके बैठ गए ना हम लोग अभी, तो अगर उनको क्यों मुश्किल पड़ रही है? हाँ, जिसने नकली कागज बना रखे हैं, नकली इनकम दिखा रखी है, नकली कर रहा है, उनको प्रॉब्लम आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रेत के पहाड़ पे खड़े हुए थे वो लोग। अब क्योंकि देखिए 4.7 जो इसका प्राइम इसका तो रेट है, उसमें वेरियंस अगर 5% का है तो 4.2 के ऊपर आपको मिल रहा है। 4.2 के ऊपर आप प्लस अगर 2% कर दें तो अब आपका जो अप्रूवल है 6.2% पे जा रहा है, जो कि 5.25 ज्यादा। अब जो इसके बाद जो अब हो रहा है, ये वो लोगों के लिए जेन्युइन है 5.25% वालों के लिए। लेकिन उसके बाद अभी टाइम कितना हुआ है, एक हफ्ता, 7 दिन हुए सिर्फ। तो अब जो लेंगे उनकी अप्रूवल भी 6.2 के हिसाब से होगी, लेकिन जिन्होंने थोड़े दिन पहले लिया था 5.25 के हिसाब से, उनको सिर्फ
1% का फर्क पड़ेगा, जो कि इतना बड़ा फर्क नहीं है। जिनको 3-3% का फर्क पड़ा उनके लिए फर्क है। इसीलिए जो जेन्युइन है वो हमेशा जेन्युइन रहेगा, जो सच्चा हमेशा सच्चा रहेगा, सॉलिड हमेशा ही सॉलिड रहेगा। जो स्पेकुलेशन करेगा उसके लिए खतरा ही खतरा है। वो रेत के पहाड़ पे खड़ा, मैं अक्सर कहा करता हूं, जो जमीन में बैठा है वो कभी गिरेगा ही नहीं। जो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ रहा है उसी के गिरने की उम्मीद है। क्यों तमरीन जी, ठीक है ना बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबरवाल साहब, देखते देखते वक्त भी हमारा खत्म हो गया है, तो आखिर में क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे? अभी इस वक्त हमारे पास प्रोजेक्ट एक जबरदस्त जिसको हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है द डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन के ऊपर। हैमिल्टन में द डिजाइन डिस्ट्रिक्ट एम्बलम जिसको बिल्ट अवार्ड वगैरह में बड़े मिले हुए हैं, बड़ा हाई एंड और लुई वुइटन डिजाइनर है इसका। और इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अंदर वी आर आल्सो गिविंग लुई वुइटन, लुई वुइटन का पर्स भी साथ में मिल रहा है और बहुत कुछ इसके अंदर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। और पीके सबरा अपने पॉकेट से दे रहा है, बिल्डर की तरफ से आ रहा है शुरू की, जो आप जो भी लोग बुक करेंगे। और दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इस साल का है। इसके लिए आप हमें हैमिल्टन में प्रोजेक्ट है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। एक बात बताता हूँ बड़ी क्लियर, मेरे सेल के बिहाइंड आपके साथ पीके सबरवाल खड़ा हुआ है, टीम सबरवाल खड़ी हुई है। इस बात का आपके अंदर बड़ा भारी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी रियल्टर से लिया, कल को रियल्टर ही गायब है। आते हैं रियल्टर 2-4-5 साल के बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ पर पीके साहब डिकेट्स, कई डिकेट्स हो गए तब से बैठा हुआ है और बड़ी दिलेरी से बैठा हुआ है, आंख से आंख में आके बैठा हुआ है, क्योंकि गलत काम ना करना है ना करने देना है। अगर आप वीक हैं, हम आपसे काम ही नहीं करेंगे, आपको गाइड कर देंगे प्रॉपरली। तो इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, वी स्टैंड बिहाइंड अवर सेल्स। तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर। इसके अलावा और डाउन टाउन में भी हैं, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लो राइज भी हैं, डिटैच घर भी हैं, सेमी डिटैच भी हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757। और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। देरी मत कीजिएगा क्योंकि ये कल से साइनिंग स्टार्ट है, डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन। थैंक यू तमरीन जी, थैंक यू वेरी मच।